वैशाली नगर से शंकर लाल साहू लड़ेंगे रिकेश सेन और मुकेश चंद्राकर के खिलाफ चुनाव। मुक्तिधाम रामनगर में 35 वर्षों से दाह संस्कार का करते हैं काम। दुर्ग के वैशाली नगर से एक ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है जो कि वैशाली नगर में विकास ना होने से काफी नाराज है। इस प्रत्याशी का नाम है शंकर लाल साहू। इस प्रत्याशी का ना तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है और ना ही कोई बड़ा नाम, लेकिन काम ऐसा कि हर कोई उनको जानता है। मुक्तिधाम रामनगर में 35 वर्षों से दाह संस्कार का काम करते हैं और 1 लाख से ज्यादा शव का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उन्हें बचपन से अभिनय करने का भी शौक है और अब तक कई छत्तीसगढ़ी फिल्म और एल्बम में काम कर चुके हैं। उनका यह भी दावा है कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गीत उन्होंने ही लिखा है जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। फिलहाल उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वे जन सहयोग लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शंकरलाल साहू ठेकेदारी में भिलाई रामनगर मुक्तिधाम में शव जलाने का काम करते हैं। उन्होंने अभी तक लाखों शव दहन किया है। कोविड के दौरान भी जब अपने ही शव को मुक्तिधाम छोड़ भाग जाते थे, तब वे रोजाना 80 से अधिक शव दहन करते थे। फिलहाल उनका कहना है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि उन्हें 12,000 रुपए वेतन मिलता है, ठेकेदार उसमें भी अपना कमीशन ले लेता है। साथ ही वैशाली नगर में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों से छल हुआ है। वैशाली नगर आज भी विकास के लिए तरस रहा है। शंकर अब तक 1 बार विधायक, महापौर और 2 बार पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार स्वाभिमान मंच के बैनर तले 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वे जीत के आते हैं, वे वैशाली नगर की तस्वीर बदल देंगे। और चुनाव लड़े का मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। हर क्षेत्र में विकास हो गया, लेकिन ये वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, इनमें कोई विकास दिख भी नहीं करा है। और विकास की बात कर रहा हूँ कि रामनगर से लगे हुए तालाब है जो उन वर्षों से गंदगी से पूरा ढके हुए है। और ज़्यादा दूर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पानी गटर के पानी यहाँ आते और भयंकर बदबू देते, जिनमें महामारी हो भी डर है। और यहाँ दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन और जोत जवारा वगैरह के सब यहाँ विसर्जन करते। अभी आने वाला समय में अभी यदि छठ पूजा भी इसी तालाब से होते तो मोला गंदगी देख कैसे लगते कि भिलाई में कोई विकास है ही नहीं है। हाँ, 30 तारीख को मैं अपने सभी कलाकार और हमारे जो पार्टी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के जो कार्यकर्ता है, सब एक साथ दल बल के साथ जा करके अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब वो तो ऊपर वाला मालिक बताएगा। कोशिश तो कर रहा हूँ कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो जिंदा में भी और मरे में भी दोनों में साथ देने वाला आदमी है रहा। मोर बारे में भिलाई जनता जरूर सोची कि एक गरीब प्रत्याशी हो एक नाते, एक सेवा मोर सेवा भाव के नाते जरूर मोला ये भिलाई की जनता, पूरा भिलाई वैशाली नगर की जनता मोला आशीर्वाद दी। यही एक आशा के साथ में चुनाव लड़ा था। हाँ, और पार्षद, महापौर और विधायक का भी चुनाव लड़ चुका हूँ। उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अच्छा वोट मिला था, जो भी वोट मिला था। इस बार मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।